नासिर, ये दवाई बहुत अच्छी है। देख कैसे सो रही है सुन पट्टी, पूरे घर में सुकून हो गया। नासिर इसको यही दवाई दे दिया कर, इसी तरह मरी पड़ी रहेगी ये। अरे अम्मा क्यों पागलों वाली बातें करती है तू? नशे की दवाई है, रोज देनी शुरू की ना आधी हो जाएगी, एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। वैसे मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि बाप के वास्ते इसको इसके बाप की दहलीज पे छोड़ा, हमारी किसी काम की नहीं रही है बल्कि बोझ बन गई है हमारे लिए ये। अम्मा मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि उसको उसके बाप की दहलीज पे छोड़ा हूँ। वो जैसी भी है उसने एक वक्त तक हमारा साथ दिया है, खुद जाए तो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, बहुत हमदर्दी जग रही है सुन पट्टी की। माँ की कभी मोहब्बत नहीं जागी तेरे लिए, जबकि तुझे पता है कि तेरी खातिर मैंने अपनी जवानी को घोल दिया था। अरे अम्मा तू कैसी बातें करी, क्यों नाराज होती? तेरे से भी तो प्यार है ना मुझे। अच्छा बता क्या कहेगी, बता ना। अच्छा तू इतना इसरार कर रहा है तो हानिया मेरी इजाजत के बगैर यहां से कहीं नहीं जाएगी। आपको जितना जोर लगाने आप लगा लें। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे रोकते हो मुझे। चलो हानिया सामान उठाओ अपना। अगर हानिया मुझसे पूछे बगैर यहां से गई तो हानिया के घर पहुंचने से पहले हानिया की तलाक वहां पर पहुंच जाएगी। किस चीज का सोग मना रही हो? चली जाती ना तो अपने बाप के साथ। काश कि ये इतना आसान होता। आसानी ही तो नहीं देना चाहता मैं तुम्हें, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसे रोती रहो, सिसकती रहो। मैंने तुम जैसा जल्लाद इंसान आज तक नहीं देखा। पता है मुझे, तुम तो चाहती होगी कि तुम्हारा शौहर असफर जैसा हो, जो बीवी के सामने सर तो क्या आंखें भी नहीं उठा सकते, है ना? ऐसी अच्छी लगती हो तुम मुझे, रोती हुई, सिसकती हुई, तड़पती हुई, ऐसी देखना चाहता हूं तुम्हें हमेशा, मुझे बहुत मजा आता है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आप वहां जाकर झगड़ा करेंगे तो कभी ना जाने देती मैं आपको। आपको पता है बुशरा भाभी ने मुझे कितना सुनाया फोन पे, तो वहां हानिया का क्या हाल होता होगा? अरे उसका हाल तो क्या, मुस्तकबिल भी बदहाल है। इस बात का अंदाजा आज मुझे बहुत अच्छी तरह हो गया है। देखिए उसका ससुराल जैसा भी है अच्छा है भला है, अरे ससुराल तो है ना, रहना तो है ना उसने वहां पर। पहले माशरे में हमारी कम बदनामी हुई है, अब बेटी को तलाक दिलवाकर तगमा गले में लटका लें। मुझे हानिया की जिंदगी से ज्यादा किसी बात की फिक्र नहीं है। मर रही है वो वहां घुट घुट के। तो फिर क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि बस मेरी बेटी खुश रहे। बर्बाद कर दी मैंने उसकी जिंदगी, बहुत बुरा बाप हूं मैं, बहुत बुरा।
रखो इसे नीचे। खबरदार अगर किसी चीज को हाथ लगाया तो। अरे हमारा खाती हो और हमें ही गुर्राती हो, अपने पाप से बातें सुनवाती हो हमें। प्लीज मुझे मुझे चाय तो पीने दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हरगिज नहीं, अगर खाने पीने का इतना ही शौक है ना तो अपने बाप से कहो पूरे महीने का राशन डलवा दिया करें वो तुम्हारा। कम से कम मैं अपनी तो किसी चीज को तुम्हें यूज नहीं करने दूंगी। लेकिन बस अब तुम्हारे सब ऐश खत्म। अब पता चलेगा ना तुम्हें कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने का अंजाम क्या होता है। चलो उठो उठो यहां से, किचन बंद करना है मैंने। प्लीज प्लीज आंटी मुझे मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा प्लीज। अपना ये मकरो फ्रेब जाकर ना अपने बाप और अपने ताया को दिखाना। अरे मुझ पर इस रोने पीटने का कोई असर नहीं होने वाला बीबी, हद हो गई। अरे हमारे लाड और प्यार का नाजायज फायदा उठाती हो। इसलिए तो कहते हैं कि मोरी की ईंट चुबारे पे नहीं सजती। चलो निकलो। आप मेरी बात तो सुने। निकलो यहाँ से। अबे चलो चलो यहाँ से। हाँ अरे नहीं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। अरे नहीं यार पता है तुम्हें बीत जाने के बाद ना फिर बड़ी थकान हो जाती है और फिर हिम्मत ही नहीं रहती। लेकिन तुम अगर कहती हो तो फिर शॉपिंग करना। हाँ व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है ये? तुमने क्या बदतमीजी की है मेरे साथ? तुम देख रही हो इतनी देर से मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे कप्पे खत्म नहीं हो रहे। तो जाके ना अपनी अम्मा के कमरे में सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है। देखो नशाबा मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका तुम्हें, शोहर से किस तरह से बात की जाती है ये अब तभी सीख लो तुम। और तुम भी बीवी को खुश रखने के गुर अगर सीख लो ना तो हमारी अच्छी मैरिड लाइफ चल सकती है। फॉर गॉड्स सेक मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे तुम्हें खुश करूं मैं, चाहती क्या हो तुम? है एक तरीका मुझे खुश रखने का, लेकिन पहले प्रॉमिस करो तुम अपनी बात से फिरोगे नहीं। पहले बताओ मुझे बात क्या है, अगर मानने वाली होगी तो जरूर मानूंगा। बात यह है कि अगर तुम मेरे पेरेंट्स के घर घर दामाद बन जाओ। क्या? काशिप आया था रात को? नहीं। पता नहीं कैसी मनहूस बहू लाई हूं मैं, जब से ये आ गया ना मेरा बच्चा दर बदर हो गया। रात कॉल आई थी, शायद किसी पार्टी में थे। हाँ तो क्या करे बेचारा, घर के झगड़ों से तंग आकर बाहर निकला था, ले गए होंगे उसके दोस्त जबरदस्ती पार्टी में। खुशफहमी है आपकी। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जीदार जो आपके जबरदस्त बेटे से जबरदस्ती कोई बात मनवा सके। बड़ी खुश हो रही हो ना अंदर ही अंदर, है ना? घर में झगड़ा डलवा के नीसनी बनी खड़ी है। बख्श दो बेचारी बच्ची को। हाँ बेटा हम नाश्ता करते। नहीं आप करें। कर लिया इसने नाश्ता, अंडे पराठे मक्खन जैम सब खाया इसने जी लगाकर, बताती क्यों नहीं हो? अच्छा कम से कम चाय तो पी लो, आ जाओ अच्छा लगेगा मुझे। जहर बना देती है हर चीज। अजफर सुनो,
फिर तुम अपना वादा कब पूरा कर रहे हो? कौन सा वादा? वही जो रात में किया था, मेरे पेरेंट्स के यहाँ शिफ्ट होने का। देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया, और दूसरी बात ये कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जब मैं घर आऊंगा फिर इस पर बात करेंगे। लाफ़स। अरे नौशाबा, दो चार मिनट हमारे पास भी बैठ जाया करो। नो थैंक यू पॉप, मेरा बोर होने का कोई मूड नहीं है। अच्छा, क्या बात कर रही थी तुम शिफ्ट होने की? यसपर से कहाँ शिफ्ट होना चाहती हो? वो मामा पापा क्या? अच्छी बात है। ये मोहल्ला भी वैसे तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है, ठीक नहीं है ना? और तुम्हें इस घर में भी तंगी होती होगी। सही शिफ्ट हो जाओ। वैसे असफर मान गया क्या? अगर नहीं माना तो कोई मसला नहीं है, मैं मना लूंगी उसको। अच्छी बात है, हम सब वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मैं सिर्फ अपनी और असफर की बात कर रही थी, आप लोग की नहीं। किसी भूल में मत रहिएगा आप लोग। हाँ, तो ऐसा भूलूंगी कि तुझे सब कुछ भुला दूंगी। ठहर जा, भी बात करती हूँ असफर से। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। बल्कि आप अब्बू को भी तसल्ली थे, यहाँ मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। आप परेशान मत हो अम्मी जी, ठीक है, सही है, ओके। क्या कर रही हो? वो मैं मम्मी से बात कर रही थी। क्यों? आज से इस फोन का बिल तुम्हारा बाप देगा। खबरदार, अगर आइंदा यहाँ से फोन किया तो। नहीं, मैंने नहीं, बल्कि अम्मी की खुद कॉल आई थी। तुम यहाँ से फोन करोगी और ना ही उनकी कॉल आएगी। काशी ने मना कर दिया है, पाबंदी है इस बात पर। लेकिन मैं अम्मी अब्बू से कैसे बात करूंगी? क्यों, ऐसा क्या जरूरी है तुम्हारा हर रोज अपनी अम्मा से बात करना? और ऐसी क्या खबरें होती हैं तुम दोनों माँ बेटी के पास हैं, जो रोज एक दूसरे को सुनाती हो? हम रोज बात तो नहीं करते, कभी कभी ही बात करते हैं। किस कदर बदतमीज लड़की हो तुम, जबान चलाती हो मेरे आगे। और तो इलाज कराती हो, मैं काशी को बताऊंगी, देखना वो ही ठीक करेगा तुम्हें। अब खड़ी क्यों हो यहाँ, जाओ, काम पड़ा हुआ है किचन में इतना, जाओ। बड़ी ठीक है भाई। हाँ हेलो असफर, मैंने सुना है शिफ्ट हो रहे हो भाई, माशाल्लाह से। अम्मी अम्मी, मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं, मेरी बात का यकीन करें, मैं मामू के घर शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बेगम से पूछा था, उसने तो इतनी बदतमीजी की मुझसे कि बस क्या बताऊं, बहुत बुरा लगा है मुझे। भाई मैं क्या तुम लोगों की खुशियों की दुश्मन हूँ? क्या नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छी जिंदगी गुजारो? अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप तो जानती हो उसकी नेचर। अरे बेटा, तो तुम शौहर हो, कुछ तो कंट्रोल करो अपनी बीवी पर, इस तरह तो। जो लड़की अपने माँ बाप के कहने में ना हो, वो अपने शौहर की बात क्या रखेगी? लेकिन चलिए खैर, आप परेशान ना हो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे बुद्धू, मैं शिफ्ट होने के लिए कब मना कर रही हूँ तुम्हें अपने ससुराल में? अच्छी बात है, शिफ्ट हो जाओ, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी भी तुम्हारे साथ ही शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, हम तुम्हारे बगैर तो नहीं रह सकते ना। मेरी एक बात समझ लें आप, हम कहीं नहीं जा रहे, अपने घर में ही रहेंगे। मेरी जो नौशाबा है ना, इसकी किसी भी बात को अपने सर पे मत सवार किया गया।
चलो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, फिर आपसे फ्री होकर बात करूंगा। ठीक है। देखती हूँ नशाबा कैसे शिफ्ट होती है। तो सलमा बेगम नाम है मेरा। या अल्लाह क्या करूं, इससे ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। दिल तो चाहता है सब कुछ छोड़कर चली जाऊं, मगर वापसी का भी तो कोई दरवाजा खुला नहीं है। आनिया, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें, सुनाई नहीं देता? आप कब आए मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा तो तुम किसकी सोचों में गुम थी तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि दुनिया में तुम्हारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है? काशिफ, मैं किसी के ख्यालों में गुम नहीं थी, और ये फजूल का शक करना बंद कर दो। एक्शन मत दिखाओ मुझे। वो कुछ बात करा था मैं सिर्फ। हाँ हाँ तो करो बात, मैंने क्या पूछा है तुमसे? और वैसे भी मैं मियां बीवी के मामले में बोलने की कायल ही नहीं। हाँ क्या कह रहा था मैं, किसके ख्यालों में गुम रहती है तुम मुझे भी तो पता चले। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सामने एक्शन मत दिखाओ, समझ आई? फजूल बकवास ना करो वरना। वरना क्या? वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं बात कर रहा हूं तुमसे आनिया। अरे हाँ हाँ उस दिन तो बहुत ही मजा आया था। अच्छा 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 नहीं नहीं अरे नहीं नहीं ड्रेस तो उसका बहुत अच्छा था। हाँ अच्छा आप सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके बाय। या आप क्यों दिल दिल में मुझे गालियां देती रहती हैं? कोई खुदा का खौफ करो बेटा, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? सोच तो वैसे आपकी बहुत ही घटिया है, पता नहीं क्या क्या सोचती होंगी। बहुत तेज हो तुम, बहुत शरारती हो, है ना? आप मेरे सच को कब तक मजाक समझती रहेंगी? एनीवेज मुझे एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बना दो। कॉफी? अरे बनाना तो दरकनार, मैंने तो देखी भी नहीं है कॉफी वॉफी कैसी होती है। बड़े घर की बहू लाने का बहुत शौक था आप लोगों को, लेकिन उसके शौक पूरे करने का आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा। अरे नहीं मैं तो ये कह रही थी कि तुम मुझे एक दफा बनाना सिखा दो ना, तो फिर मैं रोज अपनी बेटी को अपने हाथों से कॉफी बना के पिलाऊंगी। गॉड, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बूढ़े तोतों को सिखाने के लिए। और वैसे भी मैं और असफर तो आजकल में माँ बाबा के शिफ्ट होने वाले हैं, तो फिर इन सब चोचलों की ना कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिखा दो वो सिखा दो। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है छिपकली। नहीं तो जितनी जमीन के ऊपर है ना उतनी जमीन के नीचे है। है भाभी ने भी क्या पैदा किया, चोंचले तो तेरे मैं निकालती हूँ, रुक जा देखती हूँ तुझे। तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने तुमसे? सुन लिया है, और कुछ कहना है? मेरे बाप की हिमायत हासिल करके ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं।
दो मिनट में तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा मैं। बस बहुत हो गया है काशिफ, आखिर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर? तुम जैसे इंसान पे सिर्फ गुस्सा ही किया जा सकता है, क्योंकि प्यार के काबिल तो तुम हो नहीं। मुझे तुमसे कोई बहस ही नहीं करनी है। अच्छा, पर मेरा तो आज लड़ाई का फुल मूड है, हमेशा बच जाती है, आज नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा खत्म ही नहीं हो रही है? दिन रात मुझे जिल्लत की मौत देते रहते हो। क्योंकि तुम इसी काबिल हो। तुम जैसी हल्के किरदार की लड़कियां होती है ना, वो ये डिजर्व करती। अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें तलाक लेने का। चलो ठीक है, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं 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 नहीं, अब तो तुम कह चुकी हो। पर हाँ, एक और चीज, तुम ये मत समझना कि तुम तलाक लेकर आजाद हो जाओगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा और यहां से जाने भी नहीं दूंगा। आइडिया बहुत अच्छा दिया तुमने, अब तक तो मुझे कर देना चाहिए था। काशिफ, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी, तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं काशिफ खलील अपने पूरे होशो हवास में अपनी प्यारी सी बीवी हानिया रमजान को तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। मैं काशिफ खलील अपने पूरे हानिया नमन को तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक। तुझे गर्क कर दे। अरे अम्मा, आज तो बर्गर खा रही हो, बड़े मजे आ रहे हैं तुम्हारे। हैं अकेली के लिए आज? पड़ोस के बच्चे से मंगवाई थी। छोड़ इस बात को, देख नासिर, अब उस बाला को मैं इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसकी बात कर रही हो अम्मा? तेरी जोरू की बात कर रही हूँ, किसी काले चोर की बात नहीं करती। वही एक सुनपट्टी है जो इस घर में रहती है। देख नासिर, उसको बाजू से पकड़ के ना इस घर से निकाल दे, वरना ये काम मैं खुद कर लूंगी। अरे अम्मा, उसने ऐसा क्या कर दिया? उसने मुझे इतनी बदवाएं दी और यहाँ तक कहा कि तुम मक्कार बुढ़िया हो। अरे ठीक ही तो कह रही थी वैसे। बेशरम, बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आती माँ का मजाक उड़ाते हुए? अरे अम्मा, मैं तेरा मजाक क्यों उड़ाऊंगा भला। हाँ अच्छा, ये बता, अब ये है का? अभी खबर लेता हूँ इसकी मैं। यही कहीं होगी, जान का नासूर बन गई है, सारा वक्त मोहल्ले में मंडलाती रहती है, कहाँ जाएगी, यही होगी। अच्छा मैं उसको देख के आता हूँ। जा देख, दो लगाना उसको। मनु, इस कमबख्त मारी ने ना बर्गर का भी जो है ना मजा किरकिरा कर दिया। सुन पट्टी से इंशाल्लाह खास करे तुझे। भाई भाई, वो आपने मेरी गुड़िया को देखा है? सुबह स्कूल गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, बिल्कुल इस जैसी दिखती है। अगर नजर आए तो मुझे बताओगे? भाई आपने मेरी गुड़िया को देखा है? सुबह स्कूल गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। जैसे वापस आए तो मुझे बता देना, बिल्कुल इस जैसी दिखती है। कैसे मोहल्लेदार हो तुम? ए चुप करो, कैसे मोहल्लेदार हो तुम? हैं तुम्हें शर्म नहीं आती?
मोहल्ले के बच्चों पे नजर नहीं रखते हो? तानिया चलो घर, चुप करो तुम। हैं, समझ नहीं आती? तेरी गुड़िया भी घूमेगी। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही पागल औरत, घर चलो। मैं पागल नहीं हूँ। गुड़िया घर पे है। गुड़िया घर पर है? हाँ घर पर है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो तुम्हें ढूंढ रहा था ना मैं। हटो यहाँ से, मेरी गुड़िया घर पे है। आ जाओ, चलो। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं घर पर है? सच सच बताओ काशी, ये ऐसे तो बेहोश नहीं हो सकती। तुमने तो कुछ नहीं किया। मैंने कैसी बातें करे डैड, मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर, मैं कमरे में आया तो ऐसे बेहोश पड़ी हुई थी, बल्कि मैं तो उसे देख के बहुत परेशान हो गया था कि क्या हो गया बेचारी हानिया को। हानिया हानिया, अरे ड्रामा कर रही है, सब काम ना करने के बहाने हैं ये। इसे पता था ना कि रात को नोशी और असफर की दावत है, बस एक्टिंग करके पड़ गई बिस्तर पे। मुबारक हो भाई, तुम्हारी मामा को अब गैब का इल्म भी होने लगा। क्या हो गया है, बदगुमानी की भी हद होती है। हानिया को होश आ गया। अब कैसी है तबीयत? गिरने से चोट तो नहीं आई बेटा? चलो उठो, उठो शाबाश, चलो किचन में बहुत काम पड़ा हुआ, उठ के काम करो किचन में चल के। तो क्या हो गया, देख नहीं रही उसकी हालत? ये नहीं करेगी काम, दूसरी मुलाजमा से क्या था? आप ऐसा करें कि इसको ना सर पे बिठा लें, सर पे। अरे बड़ी महारानी है ना कि काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। चलो उठो, उठो शाबाश, चलो काम करोगी ना तो खुद ही तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या हो गया है तुम्हें, तबीयत ठीक नहीं है उसकी? उठो चलो, उठो शाबाश। क्या कर रही है बुशरा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस बस मेरा दिमाग खराब ना करें, चलो उठो, किचन में इतना काम पड़ा हुआ, यहाँ लेटी हुई है, चलो काम करोगी तो खुद ही तबीयत ठीक हो जाएगी, उठो चलो। क्या अंदर आओ, अंदर आओ, क्या पागल औरत, अंदर आओ, चलो बैठो यहाँ, बैठो यहाँ। खबरदार आज के बाद तुम घर से बाहर निकली तो तमाशा बना के रख दिया तुमने मेरा। सारे मोहल्ले वाले तुम्हें पागल कहते हैं और मुझे पागल औरत का शौहर कहते हैं। इसीलिए तो माथा पीटती थी तेरे आगे मैं कि इसको पागल खाने छोड़ा, अपनी जान छोड़ा, दूसरी शादी कर ले, कब तक इसके पीछे ख्वार होता रहेगा नासिर तू? क्या दूसरी शादी? अरे अम्मा वाह, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे सोचने के लिए मैं हूं ना, तू अगर हाँ करे तो रिश्ता कराने वाली से बात करूं तेरी। अरे तो अम्मा इस पागल का क्या करेंगे, ये कहाँ जाएगी? क्यों इसको गले का हार बना के लटकाएगा गले में? मैं तो कहती हूँ इसको पागल खाने छोड़ कर आ, जहाँ सारे पागल रहते हैं वही अब उसका घर होगा। पागल खाने मैं नहीं जाऊंगी, सुना, पागल खाने नहीं जाऊंगी। पागल खाने तो तेरे अच्छे भी जाएंगे, कैसे नहीं जाएगी मैं देखती हूँ। अल्लाह करे कि तुम मर जाओ है? और अल्लाह करे तुम्हारा ये बेटा भी मर जाए, अल्लाह करे तुम दोनों मर जाओ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देख 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 नासिर, क्या बकवास कर रही है? अच्छा तरीका ढूंढा है इसने अपने दिल की बड़ास निकालने के लिए, मनहूस मारी सुन पट्टी ने। अरे अम्मा तू छोड़ इसे, छोड़ इस पागल को। दो रोज शादी की बात कर रही है, वो बताना सर आना। अरे अम्मा बता तू राजी है? तुम्हारी बीवी ने तो बदतमीजी की हद ही कर दी है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती है, हर बात का उल्टा जवाब देती है। क्या मसला है उसके साथ, क्यों ऐसा करती है वो मेरे साथ? तो क्या करूं, तलाक दे दूं? अरे ये मैंने कब कहा है बेटा, लेकिन कम से कम उसको समझाओ तो सही कि मेरे साथ सलूक तो ठीक करे ना, सारा दिन उसका काम करती फिरती हूँ। किस लिए काम करती है उसके?
मैंने कितनी बार आपको समझाया कि उसका कोई काम मत किया करे, उसकी आदत बनाए कि वो खुद अपना काम करे। हो गई शुरू आप और आपकी घटिया हरकतें। तुम्हारा दिमाग सही है? ये किस तरह बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ, जो हर वक्त मीठी छुरी बंदे का नाटक करती रहती है। कैसी माँ है आप? बेटा घर आया नहीं कि आपने उसके कान भरने शुरू कर दिए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। शट अप। तुमने मुझ पे हाथ उठाया? दो टके के घटिया लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हाउ डे यू। बिहेव योरसेल्फ। मैं बता रहा हूं, अगर तुमने अब मुझ पर हाथ उठाया ना तो ये हाथ तुम्हारे जिस्म से निकाल के जमीन पर फेंक दूंगा मैं। ये सब आपने ही करवाया ना? खुश हो गई होंगी अब आप, है ना? मैंने क्या किया बेटा? अरे बंद करें अपना ये ड्रामा, बहुत बड़ी फसादन है, आप जानती हूँ मैं। बस कर दो नौशाबा, अगर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ना तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मामा ठीक कहती थी, तुम जैसे दो टके के घटिया लोग इज्जत के काबिल ही नहीं होते, और मैंने तो तुमसे शादी कर ली। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग खराब करने के पीछे मुमानी जान का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन एक बात अपनी कुत्थी में बांध लो तुम, कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नरमी से भी पेश आऊंगा। तो तब होगा ना जब मैं यहाँ रहूंगी। मैं जा रही हूँ इस जहन्नुम से। अरे क्या मसला है भाई, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग आपस में? आप तो चुप ही रहे, ये सारा तमाशा आपका खड़ा किया हुआ है। बस बहुत हो गई बकवास, तुम्हें घर छोड़कर जाना है ना? चलो मैं खुद तुम्हें इस घर से यहाँ से लेके जाऊंगा और मामू को बताता हूँ तुम्हारी हरकत है। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ। अरे अरे छोड़ो मुझे। मामू को बता कर ही आऊंगा। ये क्या तमाशा लग गया, क्या होगा? तुम ये मत समझना कि तुम तलाक लेकर आजाद हो जाओगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा और यहां से जाने भी नहीं दूंगा। मैं काशिफ खलील अपने पूरे होशो हवास में अपनी प्यारी सी बीवी हानिया रमदान को तलाक देता हूं। कैसा लग रहा है तलाक के बाद? तुम्हारी तो पूरी दुनिया हिल गई होगी। नहीं, इतनी मजबूर हो ना तुम, ना किसी से कुछ कह सकती हो, ना किसी को कुछ बता सकती हो। तो मशरक की लड़कियों के दुख, वैसे असल चूहे बेली का खेल तो अब शुरू होगा। तुम उसे छुपने की कोशिश करोगी, पर मैं तुम्हें छुपने नहीं दूंगा। दुनिया के सामने तो मेरी बीवी हो, लेकिन हकीकत में नहीं। और अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही। सुनो, दूर हो मुझसे, वरना वरना मैं तायबू को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, मेरी बेबी क्या बता देगी अपने तायबू को? यही
थे तो मुझे तलाक दे चुकी। और इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी है? मैं ये बात कसम खाकर कह सकती हूं और मैं कुरान उठा के हल्फ उठा लूंगा कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, और कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा, सब तुम्हें झूठा समझेंगे। तुम झूठा कुरान उठाओगे? हाँ, लेकिन फिर अल्लाह ताला से माफी मांग लूंगा और मुझे माफ कर देंगे, मैं क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं। देखो मेरी बात समझो, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, हम इसी तरह एक साथ खुश रह सकते हैं। हरगिज नहीं, ये गुनाह है और तलाक के बाद तो कभी भी नहीं। पर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, चाचू के साथ जाने से तो पहले ही मना कर चुकी हो और अब और कुछ हो नहीं सकता, तुम चाचू को अच्छी तरह जानती हो। इसीलिए कह रहा हूं तुम्हें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सोच समझ के फैसला करो अपने फायदे के लिए। सोच समझ के फैसला करो। अरे वाह 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 भाई, भाई वाह, इस वक्त तो मैं इतनी तलब हो रही थी मुझे चाय की। खुश रहो, बैठ 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 जाओ। अरे हाँ, अब वो तुमसे तो मैं पूछना ही भूल गया, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? जी ठीक हूँ। क्या बात है बेटा, तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तहबूब वो। हाँ बोलो, क्या बात है आमिया, बोलो। काशिफ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे सारा किचन फैला पड़ा है और तुम यहाँ बैठी बातें बना रही हो, चलो जा। वो मैं तहबूब को चाय देने आई थी। दे दी ना चाय, तो अब जाओ। चाय में क्या घोल कर पिलाती रहती है। शुक्र है ये बच्ची मेरा ख्याल करती है, वरना तुम्हें तो किटी पार्टी से अपनी फुर्सत हो तो मियां का ख्याल करो ना। अच्छा ये बात है, बड़े मजलूम बन रहे हैं ना। अरे सारी जिंदगी तो मैंने आपकी खिदमत की है, अब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून मिला है जिंदगी में है? तो आप मुझे अब भी इंजॉय नहीं करने देते? अच्छा बताओ क्या काम था? वो ना, आपको तो पता है ना कि रात को असफर और नोशी आ रहे हैं, आप अपने तरीके से असफर से कहिएगा कि यहीं शिफ्ट हो जाए। हरगिज नहीं, ऐसा सोचना भी मत और ना मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं।
ए पागल औरत, ए क्या कर रही हो तुम? हाँ, मेरी माँ को मारना चाहती हो तुम? अम्मा क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे? तू भी क्या पागल हो गया इसकी तरह? अरे अम्मा, ये तुझे मारना चाह रही थी, तेरे मुंह पे तकिया रख के तेरा काम तमाम कर देती है अभी। क्या क्या कहा तूने, ये मुझे मारना चाहती थी? मनु मारी, अल्लाह तुझे समझे। नासिर नासिर, इसको मार और मार मार के ना इसका मुर्कस निकाल दे। अम्मा इसे यहाँ नहीं, कमरे में ले जाकर मारूंगा आज मैं, और इसका वो हाल करूंगा ये याद रखेगी। नहीं जाना, नहीं जाना, चलो। हाय अल्लाह, शुक्र है कि नासिर ने देख लिया था, और ना आज मेरा तो किस्सा तमाम ही कर देती है पागल। हाय नहीं भैया, अब ये सुन पट्टी नहीं रही, इसकी तो बैटरी चार्ज हो चुकी है। या अल्लाह, तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है, मुझे इस अजाब से निजात दिला दे। मैं कैसे किसी को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, और कोई मेरा यकीन भी नहीं करेगा। काशिफ सच कहता है, वो बहुत मक्कार है, सबको अपनी तरफ कर लेगा। और सब मुझे उसकी बीवी ही समझते रहेंगे। नहीं नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। बारह की 18 लगाएगी वो चिपकली जाकर बड़े भाई साहब को। बड़ी तेज लड़की है भाई, तोबा। भाई हमने तो सुना है कि फूफी भतीजी एक जात होती है। सही बात है, अब ये कसूर भी आप मेरे खाते में डाल दीजिएगा। अरे पूरी की पूरी अपने माँ पे गई है, अपनी माँ की तरह ही दिल की खोटी है। अरे जब रिश्ता करने जा रही थी उस वक्त तो नौशाबा के बड़े कसीदे पढ़ती थी, अब क्या हुआ? अरे मैं तो समझी थी हानिया की तरह भोली भाली है, लेकिन ये तो बहुत ही चिलत्तर निकली। वाह वाह वाह, तुम्हें भी हानिया की कदर आ गई भाई, ये तो मौजदा हो गया। ओफो, अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि वो भी तो भाभी की बहू है, किस तरह फरमा बदारी से रह रही है, जबान बंद करके क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अरे ये भाभी की बेटी है, हमारी बहू, अल्लाह माफ करे, जो शादी वाले दिन से ना को चले चबा रही है तो आज तक हमारे दांत थक गए। ये तरबियत का फर्क है बेगम साहिबा, आगे चलकर मजीद बातें होगा आप पर। पागल हूं मैं जो तुमसे अपने दिल की बात कर बैठी, हालांकि मुझे पता है कि सड़े हुए मुंह से सड़ी हुई बात ही निकलेगी। क्यों रो रही है मेरी बेटी, क्या किया है तुमने इसके साथ? मामा, पापा, इसने मारा है मुझे अपनी माँ के कहने पे। तुम्हारी ये जुर्रत, मेरी बेटी पे हाथ उठाया है तुमने? एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे बात करने दो। तुम बताओ उस पर, ये नौशाबा ठीक कह रही है क्या? इससे क्या पूछ रहे हैं, नौशी बता तो रही है आपको। मैं और क्या करता मामू,
इसने मुझे खुद मजबूर किया कि मैं इस पे हाथ उठाऊं। जब से मेरी इससे शादी हुई इसने सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की और मेरी बेइज्जती की है बस। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा हाथ उठ गया। कि मैं क्या सुन रहा हूँ नौशी, तुम ये सब कुछ करती है अपने ससुराल में? आप नौशी को क्यों डांट रहे हैं? अस्पर के कान खींचे ना, क्या सोचकर इसने हमारी बेटी पे हाथ उठाया? दिखा दी ना अपनी घटिया औकात चंद दिन में। मोमानी अब आप ज्यादती कर रही हैं। किसी ने इसे कुछ नहीं कहा जो सारा दिन सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की बेइज्जती करती रहती है। हाँ करूंगी बदतमीजी, जो जिस लायक होता है ना उससे वैसे ही सलूक किया जाता है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये मेरे सामने अपने शौहर से इस तरह बात कर रही है, मेरा अपना खुद दिल चाह रहा है कि इसके थप्पड़ मारूं। हद हो गई है वैसे आपसे। अरे कभी तो अपनी औलाद को अच्छा कह दिया करे, इसे ही डांटे जा रहे हैं आप तो। तुम चुप करो, चुप करो। तुम्हारी दीवी शह है जो उसने ससुराल में जाके उस ससुराल को अखाड़ा बना दिया। और नौशी तुम तमीज और सुकून से अपने ससुराल में रहो, आइंदा मैं कोई शिकायत ना सुनूं तुम्हारी, समझी? जाओ असफर के साथ जाओ। नो वे पापा, मैं कहीं नहीं जा रही और अब मैं यहीं रहूंगी। नासिर दरवाजा खोलो। अम्मा अम्मा दरवाजा खोलिए, मुझे यहाँ पे क्यों कैद करके रखा है आप लोगों ने? खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची चाहिए सिर्फ, और मुझे आप लोगों से कोई काम नहीं है। मुझे मुझे यहाँ से निकाले, मुझे इस कैद में नहीं रहना। मुझे नासिर, अम्मा दरवाजा खोले, दरवाजा खोलो नासिर। दरवाजा खोल दो ना सिर, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस, मुझे सिर्फ मेरी बच्ची लाके दे दो। प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे सिर्फ मेरी बच्ची। लो कमबख्त मारी, चुप कर जा, चुप कर जा। चीख चीख कर तूने पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया है। तेरी चीख सुन के लोग शिकायतें कर रहे हैं। तू देख लेना, हमें इस मोहल्ले से निकाल के ही दम लेगी मनुज मारी। अब तो तू बिल्कुल भी सुन पट्टी नहीं रही किसी भी तरीके से। अल्लाह करा दे। दरवाजा खोलो नासिर। अरे क्या हो गया अम्मा? कौन था अब दरवाजे पे, इतनी देर क्यों लगा दी तूने? अरे अम्मा मोहल्ले वाले थे, तानिया के शोर शराबे की वजह से आए थे बस। अब क्या बकवास कर रहे थे वो लोग? अरे अम्मा कहना क्या है, उन्होंने यही कह रहे थे कि ये मारपीट रोजाना का बंद कर दो, वरना थाने में शिकायत लगा देंगे वो हमारे खिलाफ। लो भैया अब नई मुसीबत हमारे सर मंडला रही है। मैं तुझे कितना कहती थी कि अल्लाह का वास्ता इसको जाके कहीं छोड़ा इस मनुस मारी को। अरे अम्मा ऐसे कैसे, इसको मैं कहां जाकर छोड़ा हूं मैं? अगर इसको मैं छोड़ भी आता हूं कल कला को ये वापस आ जाती है, एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। ना सिर्फ फिर हम क्या करें, ये मनहूस मारी तो हमें ये मोहल्ला चढ़वा के रहेगी, हम कहाँ जाएंगे? नासिर, अम्मा दरवाजा खोले, दरवाजा खोलो नासिर, मुझे यहाँ पे क्यों कैद किया हुआ है? अब सुन ले इसकी बकवास और तू खुद बन के बैठा रहे, जहर दे दे से जाकर। अम्मा एक हल है मेरे पास, हमेशा के लिए हमारी से जान छोड़ सकते हैं। कौन सा हल है बता जल्दी। मुझे यहाँ से बाहर निकाला, वो मासूम बच्ची रो रही होगी मेरे लिए।
खुदा के लिए मेरी बात सुनो, खुदा के लिए मेरी बात, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो और मुझे यहाँ से निकालो, निकालो मुझे यहाँ से, मेरी मुझे बच्ची के पास जाना है नासिर। सुना तुमने मुझे मेरी बच्ची लाके दोस्त को, उसे मुझे, उसे मेरी जरूरत है, छोटी सी मासूम सी बच्ची, उसको अपनी माँ की जरूरत है, खुदा के लिए इस बात को समझो, क्यों कैद करके रखा है मुझे इस कमरे में, निकालो मुझे यहाँ से बाहर। नासिर अब एक बाप अपनी बच्ची को बेच कर आ गया, बाप अपने बच्चे को बेच कर आ गया, किस सेठ को बेच के आए हो मेरी बच्ची को चंद्र पो की खातिर, तुम कैसे बाप हो ना फिर बच्ची को बेच कर। क्या हुआ, डर क्यों रही है, कुछ कहा है क्या मैंने तुम्हें? मुझसे दूर रहो काशिफ। और अगर ना रहूं तो क्या कर लोगी तुम? प्लीज तुम्हें खुदा का वास्ता, इतना जलील मत करो मुझे, मुझे तलाक दे चुके, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। घर जाने दो ताकि तुम इद्दत पूरी होने के बाद जाकर उस अस्वर के नाम की माला गले में डाल लो। नहीं हानिया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। खुदा के कहर से डरो काशिफ, ये जो तुम कर रहे हो ये सब गुनाह है। कितनी बार कहा है तुम्हें मुझे खुदा के कहर का लेक्चर मत दिया करो, मुझे इससे कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, हमारा हर रिश्ता खत्म हो चुका है। आराम से बात करो, नुकसान उठाओगी। आराम से बात किया करो। Oh,